दोस्तों यहां पर मिलता है आपको केवल 3 सेकंड के अंदर 1.5 लाख रुपए का लोन, वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट्स। जानेंगे आप इस लोन को कैसे ले सकते हैं, कहां पर आपको अप्लाई करना है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप धर्रा, आप देख रहे हैं टेक बुद्धि। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कहां पर आपको जो है 1.5 लाख रुपए का लोन केवल 3 सेकंड के अंदर मिल रहा है, वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट्स 2022 के अंदर, जिसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है नहीं देना है। सबसे पहले वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ कि इस लोन पे आपको क्या प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना टेन्योर मिलेगा। आज इस वीडियो में पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अवेल इंस्टा पर्सनल लोन इन 3 सेकंड, लोन अमाउंट यहाँ आपको दिख रहा है कि 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, टेन्योर जो है आपको 36 मंथ यानी 3 साल का मिल रहा है। अब नीचे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। प्रोसेस फी जो है 2,360 रुपए लग रही है। अब अगर मैं 3 साल के लिए 1.5 लाख रुपए लोन लेता हूँ तो मुझे जो है EMI जो पे करनी होगी 5,207 रुपए। फाइनल जो फैसिलिटी अमाउंट मेरे अकाउंट में आने वाला है जब मैं इस लोन को अप्लाई कर दूंगा तो 1,47,640 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, जितना भी आपको चाहिए। टेन्योर को भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ही आप टेन्योर कम करोगे, अमाउंट कम करोगे, तो आपकी जो प्रोसेसिंग फी है वो भी कम हो जाएगी, आपकी EMI है वो भी कम हो जाएगी, और जो ट्रांसफर अमाउंट है ऑब्वियसली वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए का लोन मुझे इंस्टेंट मिल रहा है केवल 30 सेकंड के अंदर। कोई भी मुझे जो है डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, यहाँ नीचे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, वैसे ही ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये लोन जो है 1.5 लाख रुपए का है, आपको जो है मैक्सिमम टेन्योर जो है 36 मंथ यानी 3 साल का मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो आपको 15% एनुअल मिलता है, EMI भी आप देख चुके हैं कि EMI कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, आप जैसे भी ड्यूरेशन उसमें सिलेक्ट करने वाले 1 साल 2 साल या 3 साल, और वहाँ पर प्रोसेसिंग फी आपने देखी कि आपको जो है 2,500 के आसपास की जो है प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ रही है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये लोन आपको कहाँ मिल रहा है, कैसे मुझे मिला है, ये आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, जो ICICI बैंक की तरफ से मोबाइल एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के अंदर है। ICICI बैंक के अंदर मेरा एक माइन अकाउंट है, उस अकाउंट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट है, यहाँ बहुत सारा सेक्शन आपको मिलता है। यहाँ लोन सेक्शन के अंदर जब आप जाते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फिलहाल मेरे पास जो है एक इंस्टा 2-व्हीलर लोन का ऑफर है 1,48,000 रुपए का। दूसरा जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है 1.5 लाख रुपए का 36 महीने के लिए, वहीं एक प्री अप्रूव्ड कंज्यूमर फाइनेंस इजी EMI भी है 55,000 रुपए का। अब ये जो 1.5 लाख वाला लोन है इस पे अवेल नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, इस स्क्रीन पे आ जाता हूँ, तो यहाँ से जो भी मुझे अमाउंट चाहिए, जितना भी टेन्योर चाहिए, उस सेलेक्ट करके प्रोसीड करूंगा, ये लोन मुझे मिल जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि ये लोन मुझे क्यों मिल रहा है। ये मेरा जो है इंस्टा माइन अकाउंट है ICICI बैंक में, ये मैंने लगभग 8-9 महीने पहले अपनी वाइफ का ओपन करवाया था। इसमें कोई भी ऐसा मतलब सैलरी नहीं आती है, या फिर मेरी वाइफ के पास कोई भी ऐसा ITR नहीं है जिसके बेस पे ये कहा जाए कि हम जो है लोन यहाँ अप्लाई कर रहे थे। ये जो लोन हमें मिला है बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड मिला है, लेकिन इसको प्री अप्रूव्ड होने का सिर्फ एक ही रीजन मुझे लगता है, क्योंकि हमने इस अकाउंट में जो है लेन देन काफी अच्छा किया है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन हम इससे करते थे, 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक की, 1,000 रुपए की मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे घर में चीजें यूज होती हैं, परचेज होती हैं, हम इसी अकाउंट से करते थे। कुछ दिन पहले इसी अकाउंट में हमें जो ICICI बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड जो है क्रेडिट कार्ड भी मिला था, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूँ। और कुछ टाइम पहले इसी अकाउंट में हमें जो है 15 लाख रुपए का एक लोन जो है होम लोन भी मिला है, हालांकि हमने उसको नहीं लिया, लेकिन हमारे पास ऑफर थी। लेकिन ये अकाउंट अगर आप सही तरीके से मेंटेन करते हो तो आपको भी ये ऑफर मिल सकता है, जहां पर आपको जो है लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के केवल 3 सेकंड में मिल जाता है। यहां पर आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि अवेल इंस्टा पर्सनल लोन इन 3 सेकंड। टिप यही है कि आप जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उसमें लेन देन ज्यादा करें, UPI से करें या ऑनलाइन ट्रांसफर करते वो करें, और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि बैंक जो है आपको अच्छी अच्छी ऑफर दे रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज वीडियो को इसी बात पे जो है लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो और अब तक टेक बुद्धि चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो, और अगर आप अपना सिविल स्कोर जो है एकदम एक्सीलेंट करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए मैंने बना के रखी है, जिसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है जिसको यूज करने के बाद आप अपने सिविल को जो है एक्सीलेंट कर सकते हो।